हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, अग्रिम जमानत के लिए दायर की है याचिका। प्रियंका तनेजा नाम से लगाई है याचिका, याचिका पर कल हो सकती है सुनवाई। राम रहीम के जेल जाने के बाद से गायब है हनीप्रीत। दिल्ली में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया दावा, 2014 से भी बड़ी होगी 2019 की जीत। वंशवाद पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना। दिल्ली पहुंचा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बवाल, दिल्ली में जगह जगह छात्रों ने किया प्रदर्शन। एनएसयूआई के अलावा एबीवीपी ने भी किया प्रदर्शन। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। राजधानी में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामलों में इजाफा, निगम की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। डेंगू के एक हफ्ते में 894 नए मामले, मलेरिया के मरीजों की संख्या हुई 964 और चिकनगुनिया के एक हफ्ते में 61 नए मामले आए सामने। आप विधायक संजीव झा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। आप विधायक ने पीडब्ल्यूडी सचिव अश्वनी कुमार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, पीडब्ल्यूडी सचिव पर की कार्रवाई की मांग। नोएडा के एक निजी स्कूल में एक शख्स के साथ पहले तो स्कूल के गार्ड ने गाली गलौज की, फिर जब इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो स्कूल के मालिक ने अंदर ले जाकर स्टाफ के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। दिल्ली समेत उत्तर भारत में हीरोइन की सप्लाई करने वाले दो शख्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 किलो हाई क्वालिटी की हीरोइन और 10 किलो गांजा बरामद किया। नोएडा के सेक्टर 50 में 11 सितंबर को सैनिटरी व्यापारी को घर के बाहर लूट का विरोध करने पर गोली मार दी थी। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद खुलासा हुआ कि ये दोनों काफी दिनों से रेकी कर रहे थे। गाजियाबाद के कबीनगर थाने के शास्त्री नगर में बिल्डर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिल्डर ने खुद को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी। आत्महत्या की वजह का अब तक नहीं चला पता। दिल्ली के तिमारपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी, चाकू से गोद कर दो युवतियों की बेरहमी से हत्या। रिश्ते में ननद भाभी हैं दोनों महिलाएं। एक महिला के पति पर है शक, वारदात के बाद से ही फरार है पति।